पंचायत विभाग से इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया से रूबरू हुए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने विधानसभा पहुंचे कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर कहा कि यदि मुझे पता होता कि विधायक दल की बैठक में मेरे इस्तीफे पर चर्चा होनी है तो मैं भी बैठक में शामिल होकर अपना पक्ष रखता। उन्होंने कहा कि कई विधायक अनुभवी हैं, कई विधायकों का कार्यकाल भी काफी लंबा रहा है, उनका दृष्टिकोण है और उनको लगता है कि इस्तीफा देना अनुशासनहीनता है, तो सभी को स्वतंत्रता है अपनी अपनी राय रखने की। मैंने अपनी मंशा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिल्ली जा रहा हूं कि ये घटनाक्रम बीच में आ गया। अहमदाबाद में अशोक गहलोत ने 20 तारीख को मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वाया दिल्ली जा रहा था। स्वाभाविक है, आदमी दिल्ली में रहता है तो शीर्ष नेताओं से मिलने का समय मांगता है, मिलता है नहीं मिलता है उसके हिसाब से फिर मुलाकातें होती। जब आदमी पार्टी के अधीन है और हाईकमांड कहता है तो कोई विकल्प नहीं रहता, कुछ और रहता है। सर, पत्र को लेकर आपके पक्ष में कांग्रेस के 14 विधायकों ने इसे अनुशासनहीनता बताया। अनुभवी है उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है, उनका दृष्टिकोण है। अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। मैंने अपनी मंशा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अपने दौरे के प्रारंभ में मेरे ख्याल से उन्होंने टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं लेकिन मैं अगर मंत्री हूँ उस विभाग का तो पहला दायित्व तो मेरा है, और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। ये सब भी बातें थी, और बातें थी कि मैं वहाँ कुछ प्रस्ताव थे जो पहले से भी गए थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो शायद मैं वहाँ पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था जैसा मुझे भी होना चाहिए महसूस होता, या लोगों के बीच में भी जनप्रतिनिधि भी ना खुश थे।